हेलो, वेलकम टू माय जनून चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग हेयर मास्क स्पेशली फॉर दिस मॉनसून सीज़न, क्योंकि मॉनसून में एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है, जो कि ना हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है ना ही हमारे हेयर्स के लिए अच्छा होता है। मॉनसून में हमारे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी, ड्राई और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन्स ऑफ द ईयर। मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक रेसिपी शेयर की हुई है करी लीव्स ऑयल वाली, जिस जो कि हेयर फॉल को 100% रोकती है। बट उसमें क्या है कि उसको हम ओवरनाइट रखेंगे तो ही उसका जो प्रॉपर इफ़ेक्ट है वो शो होगा। बट मॉनसून सीज़न में कोई भी अगर हम अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं वो हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। अगर हम हेयर मास्क यूज़ करते हैं वो भी हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते। अगर हम हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो हमें उसको 30 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तो उसको हम 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप ट्राई कर सकते हैं। मॉनसून सीज़न में कोई भी हेयर मास्क या हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद आप अपने बालों को शार कैप से जरूर कवर कीजिए, क्योंकि जो भी हीट आपके सर से निकलेगी वो अंदर ही रहेगी, जिसकी वजह से जो नरिशमेंट है कम समय में हम ज़्यादा नरिशमेंट ले सकेंगे। तो इसलिए शार कैप से अपने बालों को ढकना बहुत ज़रूरी होता है मॉनसून सीज़न में। ये जो हेयर मास्क आज मैं आपको बनाना बताऊंगी, वो हेयर मास्क आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी तो बनाएगा ही, साथ में हेयर फॉल जो मॉनसून सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो भी बिल्कुल रुक जाएगी। आप इस मास्क का इस वीडियो में लाइव रिज़ल्ट देखोगे तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि इस मास्क को बनाएंगे कैसे और हमें अपने बालों पे अप्लाई कैसे करना है और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते तो अब देखते हैं कि हम इस मास्क को कैसे बनाते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कटोरी मेथी के दाने, फेनुग्रीक सीड्स। इसको हम रात को भिगो कर रख देंगे जो सुबह तक डबल हो जाएंगे, पूरे फूल जाएंगे। और हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स, और चाहिए 1 बड़ा बाउल हंग कर्ड। कर्ड है जो हंग कर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरा नॉर्मल कर्ड अवेलेबल है तो आप एक छन्नी में डाल के उसको 1 घंटे तक रख दीजिए, जो भी पानी उसमें होगा वो निचुड़ जाएगा और आपका हंग कर्ड तैयार हो जाएगा। अब मैं मेथी सीड्स को और कलौंजी को दोनों को अलग अलग पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। अब मैंने कलौंजी को और मेथी दाना को अलग अलग पीस लिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को एक बड़े बाउल में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फेनुग्रीक सीड्स में प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन होता है। जो पोटाशियम होता है वो आपके प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स को नहीं आने देगा, और निकोटिनिक एसिड जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेसिथिन ये हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, हेयर फॉलिकल्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। और सेकेंडली जो कलौंजी होती है, कलौंजी हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करती है, ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करती है। कलौंजी गंजापन भी दूर करती है और डैंड्रफ को भी दूर हटाती है। और कर्ड इज़ एन एक्सीलेंट टॉनिक फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी ऑफ हेयर एंड जनरली प्रिवेंट्स हेयर लॉस। कर्ड बालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनर है। कर्ड आपके हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी बनाएगा। अब मैंने अपने बालों को अच्छी तरह कॉम कर लिया है। अब मैं मास्क अप्लाई करूँगी। मास्क हमारा देखो कैसा बना है, ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है क्योंकि हमने हंग कर्ड यूज़ किया है। अगर हम नॉर्मल कर्ड यूज़ करेंगे तो वो ड्रिप भी होगा और मेस क्रिएट हो जाएगी। अगर हम हंग कर्ड यूज़ करेंगे इसको अप्लाई करना भी इजी होगा और कोई मेसी वर्क नहीं होगा मास्क को लगाना। तो सबसे पहले हम पीछे से ये मास्क लगाना शुरू करेंगे अपनी स्कैल्प पे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेक्शन करते जाएंगे और मास्क को अप्लाई करते जाएंगे। अगर आप अपनी डेली रूटीन में इन नेचुरल होम रेमेडीज़ को अप्लाई करना शुरू कर देते हो तो आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी।
ओकेजनली तो हम सभी जाते हैं, तो मैंने एक तरफ अपना पूरा मास्क अप्लाई कर लिया है, इसी तरह हम दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लेंगे। दोनों तरफ मास्क लगाने के बाद अब हम लेंथ में लगाएंगे मास्क को, छोटे छोटे सेक्शन करते जाएंगे और बालों की लेंथ में हम लगाते जाएंगे। एंड्स पे भी लगाना है इस मास्क को। एक तरफ मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है, इसी तरह अब हम दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लेंगे। इसी तरह मास्क अप्लाई करने के बाद अपने बालों को पीछे टाई कर लीजिए। मेरे बालों की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं ऐसे ही सेट कर रही हूँ। अब हम शावर कैप से अपने बालों को ढक लेंगे। आधे घंटे से 45 मिनट तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लेंगे। नाउ लुक एट द रिज़ल्ट, मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं शैम्पू से और मेरे बाल कितने स्मूथ, कितने सॉफ्ट, शाइनी हो गए हैं। शाइन की तरफ देखिए और कितने मैनेजेबल हो गए हैं। आई एम 200% सेटिस्फाइड विद दिस मास्क, आई लव्ड इट रियली, सो स्मूथ हेयर। तो इतने अच्छे हेयर मास्क के लिए एक लाइक तो बनता है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।